गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वनकम चेन्नई, ऐसे बोलता है ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में बता देना। तो हाँ जी, आज का मैं ब्लॉग का शुरुआत कर रहा हूँ चेन्नई से। अभी जस्ट मैं अपना ऐसे ही न्यूज फीड सब चेक कर रहा था तो मैं देखा कि एमएस धोनी भी अभी चेन्नई में है। तो वही अभी हम लोग का प्लान बनाया, जा रहे हैं अभी होटल धोनी भाई से मिलने के लिए। धोनी भाई ने पर्सनली हम लोग को कॉल किया है। तो कैसा लगा मजाक? वीडियो को थोड़ा लंबा करने के लिए ये सब थोड़ा मजाक कर लिया। वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने रूम में ही किया था, कोई वेंकटेश बोल के जगह था, वहां से हम लोग इडली लेकर आए थे। तो वही इडली वड़ा यही सब हमारा ब्रेकफास्ट हुआ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, देखते हैं कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो जरूर आपको दिखाएंगे। तो एक काम करते हैं, चलो एक ही बार ये वीडियो को बाहर से कंटिन्यू करते हैं। और ये हमारे होटल का लिफ्ट है, देखो। होटल अच्छा है लेकिन नहीं, होटल अच्छा है, साफ सफाई भी बहुत अच्छा है। ये जो लिफ्ट है ना, मेरे को समझ में नहीं आता ये पुराने जमाने का लिफ्ट है या नए जमाने का लिफ्ट है। बहुत हार्ड होता है। एकदम स्टेशन के पास में ही है ये होटल, इसलिए हम लोगों ने ले लिया था। कोई ना ऑनलाइन बुक किए थे, कुछ भी नहीं। हम लोग आए जितना हम लोग को 1800 में मिला ये रूम, 1800 में। और बाय द वे, इस रूम का सबसे बेस्ट बात क्या है, 24 घंटे का चेक इन एंड चेकआउट टाइम है, 24 घंटे का। हाँ जी, तो देख लो ये अपना होटल है। और इतना तेज धूप है ना भाई, ठीक से आंख भी नहीं खुल रहा है। ग्लास लेकर आना चाहिए। जैसलमेर का याद करो, सेम धूप ऐसा ही था। हाँ, जैसलमेर का भी धूप ऐसा ही था, बहुत ज्यादा धूप है। और यहाँ पास में ही देख लो स्टेशन है, ये स्टेशन है और ये अपना होटल है। और कल रात में हम लोग वहां से लाए थे अपना डिनर, रात में कुछ खाने के लिए ना, वो जो शिव सागर है, बहुत बढ़िया इडली खाए थे ना रात में, कैसा था? और सुबह हम लोग आए थे कहाँ, वेंकटेश से। वो सब पास में ही है, शिव सागर भी पास में ही है, वेंकटेश भी पास में ही है। दोनों का ही हम लोगों ने इडली खाया था, बेस्ट था। लेकिन वो शिव सागर का भीड़ अलग ही लेवल का था, क्योंकि कल रात के 11 बजे मैं गया था, पैक था पूरा पैक। तो बस अभी हम लोग चेन्नई के सड़कों पे घूम रहे हैं। तो सुबह का जो हम लोग ब्रेकफास्ट किए थे यहाँ से किए थे, होटल श्री वेंकटेश्वरा, और मैं लाया था यहाँ से कल होटल शिव सागर से। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का खाते हैं फिर चलते हैं मुर्गन। और ये यहाँ का मेन्यू है देख लो। और ये हम लोगों ने कोई रिसर्च नहीं किया है कि हाँ भाई ये, हाँ हम लोग को आना था, कुछ भी नहीं भाई। हमारे होटल के जस्ट पास में ही था, मैं कल आया था लेने, हमको अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ का खाना, इसलिए मैं सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा दूँ। अगर आप चेन्नई सेंट्रल, क्या MGR स्टेशन है ना, अगर आप चेन्नई सेंट्रल में या फिर चेन्नई इग्मोर में भी आप स्टे कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने देखा चेन्नई सेंट्रल और इग्मोर उतना भी ज्यादा दूर दूर नहीं है, लेकिन ये चेन्नई सेंट्रल से एकदम पास में पड़ेगा शिव सागर। यहाँ पे आप आ जाना लंच करने, डिनर करने, सुबह का ब्रेकफास्ट करने, बढ़िया खाना मिलेगा आपको, बढ़िया। बाकी हम लोगों ने आते यहाँ पे थट्टू इडली ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि कल मैं जब आया था देखा बहुत लोग ऑर्डर करके खा रहे थे, तो इसलिए मेरे को लगा वो ट्राई करना चाहिए। और वैसे नॉर्मल इडली तो इनका है ही कमाल का। तो देखो हम लोगों ने ये ले लिया है थट्टू इडली। ये आप गेस करो हम लोग कहाँ खाए थे? एग्जैक्टली, लेकिन वो अनियन चटनी यहाँ नहीं मिलेगा, वो जो अनियन चटनी वहाँ पे मिला था। लेकिन ये इनका व्हाइट चटनी भी कल हम लोग खाए थे, मस्त था ये चटनी। और ऊपर में ये पोडी पाउडर है, साथ में घी भी है। टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है कैसा नहीं है। वैसे देखकर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और काफी लोगों को हम लोगों ने खाते हुए भी देखा है। ओहो, एकदम गर्मा गर्म बना कर दिया। गर्मा गर्म अभी बना कर दिया इन लोगों ने, और घी का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। पोडी पाउडर और घी का जो कॉम्बिनेशन है ये तो आपको ही पता है, असली जादू कर रहा है ये चटनी, मस्त। एग्जैक्टली मुझे ऐसे ही सांभर पसंद है, लाइक जिसमें वो हल्का सा खटास हो, मतलब थोड़ा सा खट्टा बन हो उसमें। शिव सागर का ये थट्टू इडली जरूर ट्राई करना, मस्त है। बहुत टेस्टी है, ये तो पता नहीं, ये कमेंट करके बताना ये हमारे कोलकाता में मिलता है कि नहीं थाटू इडली। इडली तो मिलता है, ऐसा तो नहीं मिलता है, वो घी के साथ पोड़ी पाउडर के साथ एकदम प्योर कोकोनट चटनी, कोकोनट कोई मिलावट नहीं है इसमें। और अभी हम लोगों ने कुछ तवा, क्या पुलाव, तवा पुलाव भी ऑर्डर किया है, वो भी देख रहे थे हम लोग, काफी लोग ऑर्डर कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने भी ऑर्डर कर दिया है। बाकी ये खाते हैं, ये तो मस्त है, ये 65 का पर पीस है, ठीक है बढ़िया। बस वो मिस कर रहे हैं हम लोग अनियन चटनी, वो अनियन चटनी के लिए हम लोग को नोवोटेल जाना होगा। तो अगर हाँ ये वीडियो अगर आप नोवोटेल से देख रहे हो, विशाखापट्टनम नोवोटेल ट्राई करो, वहाँ का अनियन चटनी और साथ में थाटू इडली एक नंबर कॉम्बिनेशन है। बाकी ये भी बढ़िया है, 65 का पर पीस है। रेट देखकर आइडिया लगा लो थाटू इडली हम लोगों को कैसा लगा है। तो अभी हम लोगों ने ये एक प्लेट तवा पुलाव ले लिया है, क्योंकि हमें टेस्ट का कुछ आइडिया नहीं है कैसा है कैसा नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद बता देंगे कैसा लगा। लेकिन जो इसमें से सुगंध आ रहा है ना, उससे आइडिया लग गया है कि बहुत अच्छा, और साथ में रायता के साथ ये सर्व होता है। ये जो मैंने अभी तवा पुलाव ट्राई किया बढ़िया है, मतलब ट्राई कर सकते हो, लंच के लिए बेस्ट है ये। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल फेवरेट पूछोगे तो वो थट्टू इडली, वो जरूर ट्राई करना है। और वैसे अगर आप ये एक प्लेट तवा पुलाव लेते हो तो ये 210 रुपए का है, मेन्यू में लिखा हुआ है। और ये भाई मैंने देखा है चेन्नई में, और केरला में भी सेम था,
ये मतलब ऐसा एक कल्चर है कि आप खाना खाओ या मत खाओ या फिर खाने से पहले या फिर खाने के बाद फिल्टर कॉफी यहाँ पे मैंडेटरी है। फिल्टर कॉफी, हाँ हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिल्टर कॉफी ले लिया है ये। हाँ जी, तो सिद्ध सागर से हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से खाना ट्राई करके, और इतना कुछ जो हम लोगों ने ट्राई किया उसका टोटल हुआ था 416 रुपए। वो तवा पुलाव मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, बाकी टेस्ट बहुत ही अच्छा था। फिलहाल अभी हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मरीना बीच, जो कि यहाँ से ज्यादा नहीं 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और 100 रुपीज में हम लोगों ने ये ऑटो लिया है। चलो आपको दिखाते हैं मरीना बीच भी, और अभी कहीं दूसरी जगह जाते हैं खाने के लिए, लेकिन अभी तो पूरा पेट फुल है ना, इसलिए अभी थोड़ा बीच पे वॉक कर लेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। हमें यहाँ पे ड्रॉप किया, हमारे जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, सामने में ही बीच है, जाते हैं आपको बीच दिखाते हैं। वैसे मैंने बहुत पहले बीच दिखाया हुआ है चेन्नई का, जब मैं यूट्यूब का क्रिएटर कैंप अटेंड करने के लिए आया था तब मैं चेन्नई आया था, वेस्टर्न में हमारा प्रोग्राम था और मैं चेपक के सामने कहीं रुका हुआ था, जो चेपक स्टेडियम है ना, और यहाँ का देख लो कुछ ये माहौल है। और एक चीज देखो, एर्नाकुलम जैसा रास्ता लग रहा था ना थोड़ा, हाँ हाँ, साफ सफाई भाई। अभी हम लोग आए थे बीच के सामने, सच बता रहे कुछ आइडिया नहीं था कि आज क्या डे है, और घूमते हैं तो याद रहता है कौन सा डे है कौन सा याद ही नहीं रहता हम लोग। फिर बाद में पता चला संडे है, और भीड़ देख लो एक बार भाई, इस भीड़ में जाके आपको मैं क्या ही दिखाऊंगा पता नहीं, इसलिए अंदर नहीं जा रहे अभी हम लोग, रात में आएंगे नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आएंगे, दोनों में से किसी एक टाइम आ जाएंगे। अभी क्या दिखाएं यार आपको, पूरा पैक है उधर तो, पूरा पैक है इधर देख लो। तो यहाँ पे इतना भीड़ था तो अभी हम लोग बोले कि चलो अभी जो भी जगह जाएंगे भीड़ ही होगा, कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाएंगे भीड़ होगा, तो हम लोग भी सोचे कहाँ जाए मॉल ही चलते हैं। ये मॉल हाँ, एक्सप्रेस ऑल न्यू की एवेन्यू। अभी देख लो हम लोग EA कोई मॉल है वहाँ पे आए हुए हैं, सब कोई किसी दूसरे जगह जाके वहाँ का टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे घूमता है, और हम लोग ब्रांड देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया, भाई ये देखो भाई वो देखो भाई वो देखो, तब से यही चल रहा है हम लोगों का। शोरूम में घुसते थे हम लोग, कोलकाता में चप्पल पसंद आया है ना, 8000 रुपए दाम है, 8000 रुपए का एक चप्पल पसंद आया, उल्टे पाव रिटर्न चले आए। नहीं नहीं ऐसे उल्टा पाव नहीं है, कैसे बोले इसका रेड वाला होने से अच्छा होता है, वो कन्विंस कर रहा था ये वाला ले लीजिए, नहीं जो वाला नहीं है वही वाला चाहिए हमको, लेकिन ब्लैक वाला लग मस्त रहा था, एक नंबर लग रहा था। तो अभी हम लोग ये EA मॉल से निकल चुके हैं, देख लो मॉल गए हैं और यहाँ पे हो गया शॉपिंग, कुछ कुछ चीज मुझे चाहिए था जो कि मुझे यहाँ पे मिल गया, ये एक सीन है। अभी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, हम लोग को जाना है यहाँ से कहाँ पे जाना है, मुर्गन इडली शॉप। तो अभी हम लोग सेंट्रल के स्टेशन के बगल में ही है, हम लोग के होटल के बगल में ही है, वही हम लोग को जाना है। बाकी यार ये मॉल को ना बाहर से दिखने में आपको छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन अंदर में भैया अलग ही गेम बैठा हुआ है, और भीड़ भी आज बहुत है, संडे है ना बहुत ज्यादा क्राउड है। अब ये पता नहीं हर दिन ऐसा क्राउड होता है कि नहीं, जो चेन्नई से वही बता पाएंगे। तो ये मॉल से अभी हम लोग निकल गए हैं और जा रहे हैं यहाँ से सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास में, क्योंकि एक जो मुर्गन इडली है जस्ट स्टेशन के पास में ही है। अभी वैसे मैं टाइम दिखा देता हूँ, देख लो 7:34 हो रहा है, और हमारा दो जगह जाने का प्लान है, एक मुर्गन इडली और दूसरे का सर्च चल रहा है। हाँ जी, तो हमें ऑटो वाले ने स्टेशन के पास तो उतारा, वहाँ से थोड़ा वॉक करना पड़ा हमें, और हमें देख लो यहाँ पे पीछे दिख गया मुर्गन इडली, पास में ही था, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस में था, 100 मीटर के आसपास था। तो ये हम लोग पहुँच गए मुर्गन इडली, इसका बहुत सारा आउटलेट्स है चेन्नई में नहीं, चेन्नई से बाहर भी है। नीचे नीचे देना, नीचे देना, हाथ मारो हाथ, अच्छा हाथ मारे, अच्छा ऐसे ऐसे करके, हाँ ऐसे करके ऐसे बैठा दो, सेट पूरा सेट। हम लोगों ने तो अभी तक कुछ ऑर्डर भी नहीं किया, फिलहाल देख लो ये इनका मेन्यू है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। रेट तो बहुत रिजनेबल लग रहा है मेरे को, इडली 18 रुपया। सुबह इडली आप कितना मिलाए थे?
26 जो मैं रात में इडली लाया था 65 या 67 का तीन पीस, उस हिसाब से ये तो बहुत सस्ता है। तो अभी देखते हैं हम लोग को क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं। वीडियो को पॉज करके आप मेन्यू देख लेना इनका, एक बार हम लोग पूछ लेते हैं क्या यहाँ का ट्राई करना चाहिए क्या नहीं, देखते हैं। एम्बियंस यहाँ का नॉर्मल है, और अभी ये देख लो चटनी भी आ गई, टोमेटो चटनी। तो ये टोमेटो चटनी है, ये कोकोनट चटनी, ये पुदीना चटनी, ये धनिया चटनी। तो ये सारा चटनी आ गया, ये गर्मा गर्म बड़ा दे दिया, और हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं है इसमें क्या ऑर्डर करना चाहिए क्या नहीं, देखते हैं कुछ पूछ लेते हैं उनसे। यहाँ पे तो सबसे पहले गर्मा गर्म बड़ा दे दिया है, हम लोगों ने ऑर्डर भी नहीं किया, वो लेकर आए बोले बड़ा एक दे दिए, पता नहीं ऐसा ही सिस्टम होगा सर यहाँ पे। फिलहाल अभी हम लोगों ने कुछ कोड़ी इडली एक बोला है, ये तो मस्त है, मेथी बड़ा मस्त है यार, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे ही खा लोगे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट। मुर्गन इडली में फर्स्ट टाइम आया, पहला ही आइटम इतना अच्छा लगा, बाकी अब आइडिया लग गया है यहाँ का खाना अच्छा है। साउथ हम लोगों को खाना में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, कभी भी मस्त खाना। रामेश्वरम में भी खाना खाते थे अच्छा, इधर भी सैटिस्फाइड है, कोची में भी सैटिस्फाइड, कोची में भी सैटिस्फाइड। पोड़ी इडली एक एक करके दे दो। तो ये पोड़ी इडली हम लोग सेम खाए थे याद करो मदुराई में भी, ना सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है, एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी, मेल्ट हो गया, एक ही लग रहा है। ये देखो, देखो ये देख रहे हो, अरे ये चीज अलग है भाई, ये इतना सॉफ्ट है ना, इसको ठीक से पकड़ा तक नहीं जा रहा, इसमें घी भी डाला हुआ है यार, मस्त लग रहा है। यही चीज़ तो हम लोग का सुबह से क्रेविंग था कि कुछ बढ़िया ऐसा इडली बड़ा टाइप का कुछ खाने को मिले, और मिल गया अभी फाइनली, अभी जाकर मिल गया। ये अभी हम लोगों ने उत्तपम ले लिया है, ये सर पोड़ी उत्तपम है। हाँ जी पोड़ी है, इसके ऊपर पोड़ी आनी उत्तपम, पोड़ी आनी उत्तपम, पोड़ी आनी उत्तपम, पोड़ी आनी उत्तपम। तो ये जो है ये कुछ पोड़ी आनी उत्तपम है, हम लोगों ने एक ही लिया है, हाफ ऑफ कर लिया है, क्योंकि इसके बाद भी हम लोग को जाना है बिलाल और क्या एक है वो जो बताया, बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे को और इसके अलावा और कहीं जाकर खाना नहीं होता ना, तो इसको मैं एक एक और करके मंगवा लेता। ये उत्तपम में इन लोगों ने जो अनियन डाला है ना, उसके तो जो स्वीटनेस आ रहा है, अनियन का स्वीटनेस और वो जो पोड़ी पाउडर की वजह से थोड़ा स्पाइसी भी लग रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है यार, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहा है, ऊपर में हल्का क्रिस्पी क्रिस्पी, पूरा मुँह में अलग अलग लेवल का टेस्ट आ रहा है। अरे ये यार मजा आ गया खाकर, ये यहाँ पे इतना टेस्टी खाना सब मिल गया ना कि हम लोग बैक टू बैक कुछ ना कुछ लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्वीट आइटम है, इसका नाम मैं पूछकर बता दूंगा आपको। तो ये जो अभी हम लोगों ने लिया ना, ये स्वीट पोंगल है, तो मसूर दाल का जैसा लग रहा है। अभी हम लोग खा रहे थे तो हमें वहाँ पे दिखा ये जिगर ठंडा, हम लोगों ने इसको ऑर्डर कर लिया, लेकिन कलर कुछ अलग नहीं दिख रहा है, उसमें पुदीना पुदीना टाइप दिख रहा है, वही है ना आइसक्रीम है क्या? हाँ हाँ आइसक्रीम है। ये जो ऊपर देख रहे हो ना, ये आइसक्रीम है, लेकिन ये जो देख रहे हो ना, ये एकदम जैसे क्या बोलते हैं हम लोग खाते हैं, एक साबूदाना खाते हैं, क्या बोलते हैं बंगाली में साबूदाना, साबूदाना ही बोलते हैं, साबूदाना जैसा लग रहा है थोड़ा अंदर में, सब कुछ मिक्स करके दिया हुआ है, ठीक है, इसको खाकर आपका जो जिगर है वाकई में ठंडा हो जाएगा। तो ये देख लो हम लोगों ने जो खाया उसका टोटल हुआ है 710 रुपए, किसका क्या प्राइस है आप देख सकते हो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे देख लो मैंने ये दो पोड़ी पाउडर भी ले लिया है, एक इडली वाला और एक राइस वाला। हाँ जी, तो अभी हम लोग मुर्गन इडली से तो निकल चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं या मोहिद्दीन का, एक्चुअली उनका बहुत सारा आउटलेट है। वैसे देखो बिरयानी में बहुत सारा ऑप्शन हमें दिख रहा था, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्लेट लेंगे, हाफ हाफ मार लेंगे और क्या करें। ये होटल भी हमारे स्टेशन के सामने है, आज होटल भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, होटल बस एक दिन के लिए मैंने लिया था। तो ये देखते ही देखते हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, यही आना था हमें, देख लो या मोहिद्दीन बिरयानी भाई। तो देख लो अभी मैं आ गया हूँ ये यामोद्दीन के अंदर, और ये इनका रेस्टोरेंट है कुछ ऐसा देख लो, और यहाँ आकर मेन्यू देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि बिरयानी ट्राई करना है। हम लोगों ने यहाँ पे मटन बिरयानी बोला है, चिकन का भी ऑप्शन था हमारे पास, बट हम लोगों ने मटन बिरयानी मंगाया है, देखेंगे अगर अलग से ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो चिकन का पीस मंगवा लेंगे। और वैसे मैं यहाँ के मटन बिरयानी के प्राइस की बात करूँ, 300 रुपए दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, वही रेट है जो हमारे वहाँ रहता है। और भाई मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे बकेट हिसाब से भी बिरयानी मिलता है, मतलब बड़े बकेट में वो पैक करके देंगे। लास्ट टाइम जब मैं चेन्नई में था तब मैंने ट्राई किया था सुक्कू भाई बिरयानी, अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ या मोहिद्दीन बिरयानी, और भी दो तीन अभी ऑप्शन आया है हमारे पास। एक दिन में यार कितना कवर हो पाएगा, तो जितना हो पाया उतना मैं कर रहा हूँ। अभी रूम में जाके मेरे को वीडियो भी एडिट करना है, कल का मेरा ट्रेन भी है, अभी अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत सारा काम है। तो देख लो यहाँ आते ही हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है एक मटन बिरयानी, और इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री कुछ स्वीट मिला है, ये लग रहा है वही चीज़ है जो अभी हम थोड़ी देर पहले खाएं मुर्गन इडली में, पता नहीं ये टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। क्वांटिटी देखकर तो बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं यार कम है, मटन है कि चिकन है? मटन है, मटन है, तीन बोटी है।
चलो ट्राई करते हैं इनका बिरयानी फर्स्ट टाइम, और साथ में अंडा भी मिला है। मतलब यहाँ पे बिरयानी पे मैंने एक चीज देखा है, कोई ऐसा सीन नहीं है व्हाइट राइस, वो मसाला वाला राइस, सब एक ही टाइप का राइस होता है, वो मिक्स टाइप का रहता है। पहली बात तो जो मैंने अभी इसका राइस ट्राई किया ना, थोड़ा स्पाइसी लग रहा है। वो जो बिरयानी का एक फ्रेग्रेंस होता है ना, वैसा कुछ इसमें फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा है, ठीक ठाक सा लग रहा है। मतलब वैसा कुछ लग नहीं रहा है खास कि मैं कोई बिरयानी खा रहा हूँ। बाकी वो रायता मिला है तो रायता के साथ मिक्स करके खा लेता हूँ। मतलब ऐसा प्लेन खाने में ना नॉर्मल सा लग रहा है टेस्ट, रायता के साथ मिक्स करके खाने में थोड़ा बढ़िया लग रहा है ये। बाकी ये पता नहीं क्या है, ये कोई खट्टा चटनी टाइप का लग रहा है। जो यहाँ रहते हैं उनको ज़्यादा अच्छा आइडिया है चेन्नई का सबसे बेस्ट बिरयानी कहाँ मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि हम नेक्स्ट टाइम आए तो वहाँ का बिरयानी ट्राई करें। ये भी बढ़िया है बट मेरे को लगता है चेन्नई में इससे भी बेटर बिरयानी है, वो कहाँ है नो आइडिया। फर्स्ट इम्प्रेशन चावल, चावल तो मेरे को कल जैसे खाए थे ना, वैसे टाइप का ट्रेन में दिया था हम लोगों को, वैसे ही चावल टाइप का लगा। ये तो पूरा हड्डी है, ठीक है, मटन सॉफ्ट है, मटन सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। और ये देख लो, ये टोटल बिल आया 335, 300 रुपए बिरयानी का, 20 रुपए वाटर बोतल का। तो जितना हमारे पास टाइम था और चेन्नई में जो जो अच्छा जगह सब हमें पता था, जितना हम लोगों ने गूगल के थ्रू सर्च करा था, वो सब जगह से तो हम लोग विजिट करके आ गए। और लास्ट में जो हम लोगों ने बिरयानी जहाँ ट्राई किया, वही जो लोकल है यहाँ के वही बता पाएंगे अच्छे से कि कहाँ का बिरयानी अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। फिलहाल तो यही सब था आज के वीडियो में, वीडियो को अभी से ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, और कल रात में वीडियो एंड नहीं कर पाया मैं, इसलिए अभी मॉर्निंग में कर रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद ही मेरा ट्रेन है बैंगलोर के लिए, तो हाँ अभी यहाँ से मैं बैंगलोर निकल रहा हूँ, वही शताब्दी में मैंने अपना टिकट किया है, वो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोग देख लोगे। फिलहाल ये वीडियो को आप ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।